up with a very new video which is going to be a balcony makeover. मैं बहुत ज्यादा excited हूँ इस video के लिए क्योंकि ना मुझे ऐसे सारे videos करने में बहुत मजा आती है and I saved this video for my birthday month. So basically मुझे दो तीन अच्छी अच्छी video करनी थी उसमें से ये है. So yes, I'm going to do that. मेरा जो room है वो काफी ज्यादा tropical vibe वाला है. घर थोड़ा minimalistic vibe का है. I wanted my balcony to be really colorful के जब भी मैं ऐसे थोड़ी सी बोर हो रही हूँ या आई डोंट फील लाइक वर्किंग आई कैन जस्ट गो इन टू माई बालकनी ड्रिंक चाय एंड अगर मेरा वर्क करने का मन नहीं है तो दैट विल जस्ट ब्रिंग ऑल द कलर्स एंड हैप्पीनेस तो मैं उधर काम करूँ. दैट वॉज माई मेन मोटो. तो सबसे पहले मैं पिंटरेस्ट पे गई एंड मैंने मूड बोर्ड डिसाइड किया. सो मैंने तीन इमेजेस ढूंढी जैसा मुझे क्रिएट करना था. सो हियर आर दी थ्री इमेजेस और जो थर्ड वाली है ना वो ग्रीन और पिंक में थी एंड आई एम इन लव विथ ग्रीन एंड पिंक का कॉम्बिनेशन. बट आई थॉट कि काफी ज्यादा क्लासी हो जाएगा एंड लेट्स नॉट गो फॉर समथिंग क्लासी बट मोर कलरफुल एंड चीयरफुल काइंड ऑफ अ वाइब. सो मैं फर्स्ट और सेकंड पे स्टिक कर रही हूँ. तो मुझे एक वॉल पेंट करनी थी एंड उसके लिए मैंने मेरे फ्रेंड्स को बुलाया नाइट स्टे करने के लिए एंड दैट वॉज रियल फन. सारे फ्रेंड्स आ गए थे एंड देन वी अगेन वेंट ऑन पिंटरेस्ट एंड हमने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए. सो वी डिसाइडेड टू गो अहेड विथ दिस काइंड ऑफ अ थिंग. बट अगेन ये यहाँ पे पेस्टल्स में है एंड काफी ज्यादा सिमेट्रिकल है. हमें इतना सिमेट्री में नहीं जाना था और हमारे जो कलर्स थे वो काफी ज्यादा वाइब्रेंट थे. सो हमने बस इसको इमेज को ध्यान में रख के वी मेड शेप्स एंड ऑल ऑफ दैट एंड वी वेंट अहेड विद दैट. सो देखते कैसा टर्न आउट हुआ. हियर आर माई फ्रेंड्स. हम नाइट स्टे कर रहे हैं और ये सारी चीजें देख रहे हैं. मेरे जो पीआर मिले हैं एक्सप्लोरिंग माई पीआर. मुझे भी इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी एंड नाउ इन इंडियन सोसाइटी पीपल डोंट कम अप विद सच क्वर्की पैकेजिंग. सब एकदम मिनिमलिस्टिक जा रहे हैं बट ये बहुत मस्त है. ऋषि ट्राइंग आउट विग. बोल बोल बोल. शी कांट से एक्रेलिक. एक्रेलिक. Now you have come to my house, you'll have to give me content. Okay. Rushi is prepared. खड़े हो. इन दोनों की हाइट नाप रहे हम. ये 5'8" है, ये 5'5" कह रही है. तू 5'4" नहीं है. चल लगानी है. Rushi 5'3" एंड हाफ तो मैं. खड़ी हो जा, तू भी जा. नहीं नहीं इधर से नहीं देखते, इधर से देखते, इधर से देखते. एक मिनट तू जब हाइट नहीं है वो जो यस वी कमिंग अप विद वेरी स्टूपिड लॉजिक. तू मोटी छोटी है. तू मोटी है छोटी. ऋषि पता है पीपल थिंक हमारा ब्रेकअप हो गया है. तू मेरे इतने टाइम से चैनल पे नहीं आई है. डू यू वांट टू गिव सम. कुछ नहीं है. जस्ट दैट कि मैं अपनी लाइफ में घर पे रहना बहुत प्रेफर करती है. नहीं ऋषि वाज इन मुंबई सो वी डिड नॉट हैंग आउट मच. ऊंची लड़की यहाँ पे ऐसे मच्छर भगा रही है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को टाइम नहीं था. रात में हम पेंट करने वाले हैं. रिंग लाइट लगाई है हमने सेटअप में और एक पंखा जो जिससे हमें गर्मी ना लगे. और लेट्स स्टार्ट दी पेंटिंग. एंड यहाँ पे हमने ड्राइंग चालू कर दिया है. गोइंग अ लिटिल अनइवन क्योंकि वही अच्छा लगेगा. एंड हियर आई एम मिक्सिंग सम बेबी पिंक विथ रेड टू मेक दिस पिंक कलर. दिस इज सो सैटिस्फाइंग. मैंने ये ऑरेंज पेंट कर दिया है. मुझे दिशिता का कलर बहुत ज्यादा प्रीटी लग रहा है एंड दिशिता के मैं बेचारी की हम अच्छा आ चुका है. एंड इफ यू वांट टू नो हाउ टू नॉट पेंट प्लीज लुक एट यशनी जगानी. इट इज वेरी प्रीटी. लुक एट हर ब्रश. ओह माय गॉड. इफ माय बालकनी इज रूइंड द ओनली रीजन विल बी यशनी जगानी. मेरा ये दूसरा स्टार्ट हो गया. यशनी इज बैरली हाफ वे. व्हाट हाफ वे. आई एम कंप्लीट. You are complete, complete package. You are complete. Shmi, wo... Looning? 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 Dude, ye artist bekar lai hu. I need some professionals. Please bail me. Sasthe artist. Sasthe artist. Koi idea tere pe bhi.
Okay, we don't have a brush for yellow, so मैं मेकअप का आई शेडो ब्रश यूज करने वाली हूँ. रुशि वहाँ से खड़ी होके वहाँ का पेंट कर रही है. I don't know how, but so far it looks good. एंड पता नहीं कैसा लग रहा है, ये लोग हटेंगे तो पता चलेगा. वो लास्ट बेबी पिंक कर रही है, शी इज डूइंग डार्क ब्लू एंड ये कर रही है टील. मैं कुछ नहीं, मैजिक मसाला खा रही हूँ. मुझे और करना था. बहुत मजा है एक्चुअली. एंड मुझे ना कलर्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे फिल करने में. सैटिस्फाइंग यस. एंड इट इज डन. मैं सच बोलूं तो ये वाला कलर ना पास से बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है, बट दूर से इट लुक्स गुड एंड आई थिंक नेचुरल लाइट में अच्छा लगेगा. सो रुशि में कितना टाइम लगा ये करने में? 3 hours. बट नाइस थिंग टू डू विथ योर गर्लफ्रेंड्स. ऐसे कृष्ण जी पहनते हैं ना, वैसा लग रहा है. We at 2:42 AM. There's this group and there's one more group. Just eating and eating. We also have disco light that these guys are not liking, but I'll play because I like it. Kanye West song playing. Kanye. It is a proper. It's Kanye West. It's not Kanye West. It's Kanye. Stupid. It's Kanye West. Kanye. It's ye. Wish I could be like the cool kids. Done with the painting, done with the skincare, and now we are playing cards. जो जानवी को खेलना आता है ना उसको तीन पत्ती भी नहीं आती है, पता नहीं. हाँ मैं इतनी सुधरी हुई लड़की हूँ, ये लोग मुझे इतना बिगाड़ रहे हैं यहाँ पे बैठ के. बॉल भी गाइस तीन पत्ती गोटियों से खेलते हैं. मार्बल ये देखो, हमारे पास असली में पैसे नहीं है. 4:20 खेल रहे हैं अब. गाइस ये बहुत मीठी छुरी है, ये इतने धीमे से झूठ बोलती है आपको पता भी नहीं चलता. मीठी छुरी अच्छा लगा. अपनी बेटी का नाम मीठी छुरी. मैं मेरी बेटी का नाम रखूंगी मीरा. मीरा मीरा देखना क्या क्या प्लानिंग चल रही है. व्हाट द हेल. प्रोसेस टुक अस 3 to 4 hours जितना एंड सुबह सुबह लाइट चली गई थी. बट नाउ लेट्स गेट बैक टू द मेन वर्क. काफी कम टाइम बचा है हमारे पास. सो मुझे देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं एंड क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी मुझे, जो मुझे परचेज करनी पड़ेगी. मेन तो मुझे प्लांट्स की शॉपिंग करनी है फॉर श्योर. मुझे थोड़े और घर के लिए प्लांट्स लेना है, रूम के लिए प्लांट्स लेना है, सब वो करेंगे. बट उससे पहले हमारा जो पुराना वाला स्टूडियो था ना वो खाली हो चुका है और उसका सारा सामान पैक होके हमारे टेरेस वाले स्टूडियो पे जो अभी बन रहा है. बेसिकली सब कुछ रैप्ड अप पड़ा हुआ है. लेट्स गो अप, लेट्स सी के क्या चीजें हैं जो हम रीयूज कर सकते हैं. आई रियली डोंट वांट टू परचेज अ लॉट. एंड मैंने ना थोड़ी सी पैम्पर्स ग्रास भी मंगवाई है व्हाइट कलर में. काफी ज्यादा बूजी लगता है इससे. आई गॉट दिस फ्रॉम द हाउस ऑफ बूजिंग वाला एंड ये व्हाइट पैम्पर्स ग्रास है. हमें ना पैम्पर्स ग्रास की बहुत जरूरत पड़ती है वीडियोस में. नाउ लेट्स ओपन दिस पैम्पर्स ग्रास. ये व्हाइट पैम्पर्स ग्रास है. लेट्स सी हम इसको यूज कर पाएंगे या नहीं. एंड हियर वी हैव द ग्रास. वाओ कितनी ब्यूटीफुल है ये. ओके सो कल रात में हमने कुछ ऐसा पेंट किया है एंड काफी फ्रेश पेंट है. सो यहाँ पे पड़ा हुआ है एंड ये काफी गंदा हो रखा है, तो हम इस पे पानी डाल के इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं. हेलो मम्मा. हाय मम्मी. ना बर्फ खा रही है छुपा छुपा के और यहाँ पे बन रहा है लंच. और मम्मी आपको क्या लगता है मेरी बालकनी कैसी लग रही है? अभी मैं देखी ना. अरे भाई पेंट कैसा लग रहा है जो मैंने फ्रेंड्स के साथ किया? बहुत अच्छा लग रहा है. चलो टेरेस पे चलते हैं. एंड हम आ गए बड़े पापा बड़ी मम्मी के फ्लोर पे. यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है तो इसके लिए हम चप्पल पहन के घूम रहे हैं, नहीं तो काफी क्लीन हो गया होता पूरा घर. बट स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस गाइस. क्या कह रहे हो मम्मा? जिसके ऊपर हम प्लांट्स या कुछ भी रख सकते हैं. लिखा क्या है? गर्ल बॉस. ओ गर्ल बॉस. नाइस. गर्ल
बॉस। तो यहाँ पे चीजें काफी अच्छी मिल रही हैं। आई हैव आल्सो गॉट दिस, मुझे काफी पसंद है। ये बहुत क्यूट है, आई थिंक यू आर क्यूट। दिस इज मी, ओके। और थोड़े बहुत व्हाइट फ्रेम्स भी हैं हमारे पास। ये एक्चुअल पेंटिंग्स है जो मुझे भेजी गई थी। एंड ऑल्सो ना मैं सोच रही हूँ मैं सेटिंग अरेंजमेंट जैसा बनाती हूँ, क्योंकि दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। उसके बिना काम नहीं हो पाता, कोई बैठने की अच्छी जगह चाहिए। और मुझे कुर्सियां नहीं रखनी क्योंकि हम कुर्सियों पे काम करते हैं, तो मे बी नीचे बैठने वाला जो फटाक से उठ भी जाएगी, सफाई चटाई नहीं बिछाएंगे हम, दरी एस्थेटिक चटाई। हाँ बेसिकली हम कोई भी ऐसे वो बिछा देंगे गद्दे जैसा, उसके ऊपर मस्त प्यारी सी कलरफुल चादर। ओह नाइस। हाउ मेनी मिरर्स आर टू मेनी मिरर्स, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, बट नहीं आई लाइक द ग्रीन वन मोर। ओके सो मुझे ना ये कॉर्नर में कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज ये बहुत प्लेन कॉर्नर है जहाँ पे बहुत ब्राइट लाइट आके इधर भी इधर भी। सो वी वॉन्ट डू एनीथिंग हियर। यस, ये वॉल है, आई एम ऑल्सो लाइक इसको भी थोड़ा सिंपल ही छोड़ते हैं, कुछ मे बी हैंग कर देंगे। हाँ, क्योंकि बारिश में यहाँ पे पानी आता है, तो अगर कुछ बहुत करेंगे तो वो मतलब का नहीं रहेगा। यहाँ पे प्लांट्स आएंगे, बिकॉज ये ना ये खुलता नहीं है, तो इसमें से हैंगिंग प्लांट्स आएंगे। ठीक है, ओके, यहाँ हैंगिंग प्लांट्स आएंगे ताकि ये कवर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं खुलता है, ये पूरा खुल जाता है लाइक दिस, ये पूरा खुल सकता है। तो यहाँ से एकदम खुला खुला है, यहाँ से नहीं है, तो यहाँ पे वो आइडिया है। और यहाँ पे हम सिटिंग एरिया बनाने का सोच रहे हैं, अगर कोई भी ऐसे फन सिट डाउन वीडियो करने का बैठ के कर सकते हो, काम कर सकते हो यहाँ पे। वी हैव दिस थिंग, ये पिलर है जिसको हमने कलर नहीं किया क्योंकि बहुत अजीब लगता है। तो यहाँ पे मे बी टेबल एंड देन ट्रंक्स वगैरह कुछ रख सकते हैं। एंड आवर टेबल इज हियर, 1500 की टेबल का ज्यादा ही हमने यूज निकाल लिया है। ओके गाइज, ये पेंट हो चुका है, एंड पेंट करने के बाद इट इज लुकिंग काफी ज्यादा अच्छा, एंड आई लाइक द थिंग कि ये दोनों मैच भी कर रहे हैं, सो दैट इज नाइस। एंड अब बेसिकली सेटअप करना ही बाकी रह गया, क्योंकि मेजर पेंट था वो हो चुका है। हाँ फ्रेम नहीं लगा रहे, हाँ यहाँ फ्रेम नहीं लगा रहे, यहाँ लगा सकते, बिकॉज ये कैसी वॉल है जो हम यूज नहीं करेंगे। तो दो तीन बड़े लगा देते हैं। हाँ, और मेरा थोड़ा है कि इस साइड से लगाते, सो दैट वी कैन हैंग समथिंग कोने जैसा यहाँ पे। आई लाइक नहीं लगेगा, वी नीड सम प्लांट्स। और ये ना यहाँ पे थोड़ा सा पेंट रह गया जो मेरे पाव में भी लग गया है। ओ गॉड, अरे तेरी नेल पेंट भी ऐसा लग रहा है तुम्हें, ये कर ना, ये देखो नेल पेंट भी लगा दिया। हाउ क्यूट, एकदम वाइब मैच हो रहा है। वाइब मैच नहीं, मेरी बात मानो, रात को इसने बैठ के इसी ब्रश से जुगाड़ करके लगा, जेल नेल पेंट करवा के आई हूँ मैं। इन केस अगर आपको स्प्रे पेंट नहीं यूज करना है और वॉल पे पेंट वगैरह करना है, दिस इज एक्रेलिक पेंट दैट वी हैव यूज, ये हाथ से भी निकल जाता है, आपको कैरोसिन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, एंड इट वर्क्स वेल ऑन वॉल एज वेल एज वुड। चुप कर। तो नाउ वी नीड टू गो आउट, एंड हमें प्रिंट आउट निकलवाने हैं, और फिर हमें थोड़े बहुत प्लांट्स लेने हैं यहाँ के लिए, और हमें ना बहुत सुंदर ब्राइट तकिए के कवर लेने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सेटअप करेंगे ना, तो वो चाहिए रहेगा। कितनी बेकार है ये। सो यस, दैट इज वॉट वी हैव टू डू। सो फार काफी अच्छा चल रहा है, होप अच्छा ही रहे। ओके गाइस, मेरे को ना एकदम से ये आइडिया आया, एंड आई रियली वांट टू डू दिस। सो आई हैव दिस बैग विद मी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और ये ना फट चुका है, लाइक इसके अंदर आप कुछ नहीं रख सकते, ये देख रहे हो, सारी चीजें निकलती रहती है, एंड आई लव द वाइब ऑफ दिस। आई डोंट नो, मुझे बहुत पसंद है, मैं फट गया फिर भी कैरी करती हूँ। मे बी इसके अंदर मैं प्लांट्स ऐसे हैंग करती हूँ, लाइक ऐसे फॉलिंग प्लांट्स डाल के इसको हैंग करती हूँ। आई रियली वॉन्ट टू डू दैट, आई वॉज जस्ट ट्राइंग। तो मैंने अंदर ना थोड़ा ऐसे कार्डबोर्ड जैसा रखा है, आई एम कीपिंग दिस, व्हाट आई एम प्लानिंग इज इसको रख दिया हमने। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस हैंगिंग प्लांट, वी आर गोइंग टू कीप इट हियर। और भी हमारे पास थोड़े बहुत हैंगिंग्स हैं, हम इसमें लगा सकते हैं। ओके सो मेरे पास दो टाइप की लीव्स हैं, एंड आई एम प्लानिंग टू नॉट यूज दिस एंड जस्ट यूज दिस। मुझे तो ये काफी सही लग रहा है मे बी यहाँ पे हैंग करने के लिए। व्हाट डू यू गाइस से? कांच तोड़ दिया है, बट कांच टूटना तो शुभ होता है, नहीं होता है। मैं सोचू इसको यहाँ बीच में लगाऊ, बिकॉज आई लव सिमेट्री, एंड आई लाइक दिस होल वाइट विल मैच, और वाइट पे ये ग्रीन बहुत अच्छा लगेगा। अभी ना मैं सोच रही थी कि मैं वो फ्रेम्स में क्या प्रिंट करवाऊ, बट मेरा मन कर रहा है मैं खुद ही कुछ बना लेती हूँ। न्यूज पेपर लेंगे, उसको फ्रेम के अंदर लगाएंगे और उसके ऊपर खुद लिखेंगे लाइनिंग। ये मेरा आइडिया है, इसका कोई दिमाग चलता ही नहीं है। मैंने ना मेरी बर्थडे आउटफिट वाली ड्रेस ट्राई की थी, और उसमें बहुत चमकीला, तो मुझे लग रहा है मेरे नोज में भी चला गया, और उसके वजह से मुझे जुकाम सा भी हो रहा है, बट नॉस्ट्रिल्स चमक रही है। बट अभी हम लंच करने जा रहे हैं, एंड लेट्स गो। क्या बोल रही है? मेरा बेटा। तेरा बेटा?
हाँ मेरा बेटा, इसको मैं ब्रेकफास्ट करने आती हूँ तो भी अपने साथ लेके जाती हूँ। अभी तो मैं बाथरूम में भी इसको लेके गई थी। याक, I don't want to know। मम्मी ये किसकी सब्जी है? भिंडी दिख रही है, अंधी है। ओ, ये भिंडी है। बताओ, लेडी फिंगर स्कूल में नहीं पढ़ाया। एंड वी ऑल आर रेडी। हम समा नहीं पा रहे हैं एक फ्रेम में, बट मम्मी यहाँ पे बहुत सुंदर लग रही हैं और दीदी भी तैयार हो चुकी है मेरे कपड़ों में और मैं तो सुबह से हुई तैयार और मैं इतनी ज्यादा चमक रही हूँ और एक्चुअली बहुत पेंट वेंट भी लगा पड़ा है मेरे हाथों पे, बट सही है। लंच हो गया है, अब हम निकलते हैं। नर्सरी जाना है हमें और थोड़ी बहुत चीजें और लेने जाना है। चलो, सबसे पहले हम जा रहे हैं एक शॉप में जहाँ पे हमें बहुत वाइब्रेंट पिलो के कवर्स मिलेंगे, सो वहाँ चलते हैं। यहाँ से ना मैंने मेरे रूम का वॉलपेपर लिया है तो मुझे इस प्लेस काफी ज्यादा पसंद है। चलो चलते हैं। मुझे ये काफी डल लग रहा है। हमारा ग्रीन टील ग्रीन है, ब्राइट ग्रीन है। हाँ, पॉपी कलर्स। सो फार आई लाइक दिस बिकॉज दिस इज वेरी ब्राइट लाइक माय फ्यूचर। मेरा ने बहुत लेने का मन है बट फिर मैं बजट में नहीं कर पाऊंगी जो मैं कर रही हूँ। पागल, इतने में तो नई बालकनी मिल जाएगी। ये 2000 पर पीस है, सो नहीं। हाँ ये ले लेते हैं। जब लो फील कर रही होगी ना, मेरे बालकनी में जाना, इतने कलर आ जाएंगे, तेरी लाइट कलर फुल हो जाएगी। छोटे बच्चों ने जिनको कलर सिखाने तो उसको जानवनी की बाल जानवनी की जानवनी जानवी वेलकम टू माय चैनल जानवनी जानवी और बालकनी मिक्स होके जानवनी बन गई। ओके गाइज, वी आर सच अ रेगुलर कस्टमर, उनको पता चल गया था। मेरे को वो रिक्शा वाला बहुत क्यूट लगा, सो दे गिफ्टेड मी, सो थैंक यू सो मच। इन केस यू आर फ्रॉम सूरत, यू कैन चेक आउट दिस प्लेस। और बताएं, मैं ना, मेरे को एक रील लाइव करनी है तो मैं पेमेंट करना ही भूल गई थी और मैं वॉकआउट कर रही थी। आई कीप एम्बैरेसिंग माई सेल्फ एवरीवेयर। कल ना लाइट नहीं थी ना घर पे, मैं स्टारबक्स गई थी। हाँ। मैं तो स्टारबक्स में तो आके गाड़ी में बैठ गई और मैं तुझसे फोन पे बात कर रही हूँ और फिर वो अंदर आते हैं, मैडम मेरे को पेमेंट बाकी है, वो पता चल जाता है। हाँ, ये दिस इज द प्लेस, डेकोर ड्रेप्स नॉइस। नर्सरी और काफी सुंदर लग रही है। मुझे लेना है मनी प्लांट मोस्टली क्योंकि वो बजट में मिलेगा हमें और बहुत सारे हैंगिंग लेने हैं हमें। मुझे ना यहाँ के लगता है मैं सारे प्लांट्स ही लूँ। मनी प्लांट्स कैसे, लॉन्ग चाहिए कैसे? लॉन्ग लॉन्ग फॉलिंग हैंगिंग वाली ही चाहिए। इतना लॉन्ग भी नहीं चाहिए हमको, इतने तो हम लॉन्ग नहीं है जितना मन लॉन्ग ही मनी प्लांट है भैया। इतना क्यूट लग रहा है बट मेरे को काफी चाहिए रहेंगे, प्रोबेबली 6 एटलीस्ट। मम्मी 6 मनी प्लांट का क्या करेगी, इतना तो हमारे पास मनी नहीं है। जितने की बालकनी नहीं उतना का मनी प्लांट। गेटिंग 6 ऑफ दिस क्योंकि मैं थोड़ा एस्थेटिक काम चलता है। अगर आपको इतने सारे नहीं चाहिए तो आपका सस्ते में हो जाएगा, मेरा काम थोड़ा ऐसे दिखावे वाला है तो मैं ज्यादा ले रही हूँ। इतने क्यूट है। अगर आपने ये बुक्स के बीच में रखा है तो प्लीज कॉमेंट करके मुझे बताओ। मैंने बहुत रखा है। हाँ, इसको हम विद्या का पत्ता बोलते थे और पढ़ाई लिखाई करते नहीं थे, सोचते थे विद्या का पत्ता रखने से विद्या आ जाएगी। एलिफेंट ईयर भी आ रहा है, गिफ्टेड बाय माय। मैंने कल ही स्टारबक्स में देखा तो वो बंदा वो बंदी की बहुत गाल खींच रहा था तो मैंने सोचा मैं भी खींच देती। और मम्मी यहाँ पे अपने सारे वो लाइनें रिहर्स कर रही है जो बार्गेनिंग स्किल्स में लगाएंगी। एंड वी हैव गॉट सम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लांट्स, आई एम सो हैप्पी। सबने लिए हैं, हर जगह के लिए लिए। हेलो गाइस, आई एम व्लॉगिंग आफ्टर अ व्हाइल बिकॉज कल हम आए एंड इट स्टार्टेड पोरिंग अ लिटिल एंड देन योर गर्ल ऑल्सो गॉट पीरियड्स, सो आई वॉज नॉट इन द स्टेट टू डू एनीथिंग। बट अभी हम एक दो DIY करने वाले हैं, सो मैंने फ्रेम्स के लिए सोचा मैं कुछ करूं बट नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा मैं एक फ्रेम पे तो डॉलर लगाऊंगी बिकॉज आई हैव डॉलर्स इन माय वॉलेट एंड मतलब ऐसे मेरा मन कर रहा है डॉलर लगाने का। एंड एक पेन आई एम गोइंग टू टेक अ नॉवेल का कोई पेज जो हम लाइक ऐसे पढ़ते नहीं है या फिर कोई भी प्रीफेस है या फिर लास्ट में एक्स्ट्रा पेजेस है, मैं उसको कट करके उसके ऊपर मस्त कुछ लिखेंगे एंड लेट्स क्रिएट आवर फ्रेम्स, सो लेट्स डू दैट।
सो हियर वी हैव टू फ्रेम्स एंड यहाँ पे मेरे पास प्लेन व्हाइट पेपर है सो दैट वी कैन जस्ट मेक इट प्लेन व्हाइट. ऐसे हमें लगाने पड़ेंगे ताकि इसका बैकग्राउंड क्लीन हो जाए. देन वी हैव $2. ये एक एक है तो मैं एक ऐसे लगाऊंगी और एक ऐसे लगाऊंगी. देन वी ऑल्सो हैव अ नॉवेल राइट हियर जो दीदी ऑलरेडी पढ़ चुकी है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द लास्ट पेज ऑफ इट. ओके सो मैंने दो फ्रेम्स लगा दिए हैं एंड आई रियली लाइक द वे इट इज लुकिंग. इसमें कांच डालना बाकी है. अब हम ये कॉर्नर सेटअप करेंगे बट उससे पहले हम थोड़े से प्लांट्स अच्छे से सेट कर लेते हैं और सामने मिरर लगा लेते हैं. बुरी बेटी की टैलेंटेड सिस्टर. बुरी बेटी का थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया है. उसका खराब ही रहता है. मेरा कोई दिमाग खराब नहीं है. चलो यस मैं तुम लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ दम लगा के. हईशा और आप ऐसा मत समझना जानवी ने नीचे कुछ नहीं पहना. इसने शॉर्ट्स पहने. ये टी शर्ट बहुत लंबी है बहुत ढीली है और बहुत कंफर्टेबल है. इसको निकालने का इसको निकालने का ये वाला ना. फिर मम्मी ना मेरे को ऐसे अभी ये निकाल के रख देगी और वीडियो के बाद बोलेगी चलो बेटा अंदर. नहीं 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 परमानेंट रखोगे. पक्का प्रॉमिस. वीडियो में बोल रहे हो फिर पलट. सुन महीने में 15 दिन ये यहाँ रखा रहेगा 15 दिन वॉशिंग मशीन में. ये रहे क्यूट से पिलोज. हमारा ये कॉर्नर हो चुका है. अब हम हमारे बड़े वाले प्लांट का वेट करें. वो सामने आ जाएगा तो और अच्छा लगने लग जाएगा. बट आई थिंक दिस इज आल्सो इनफ. और हमारा एलिफेंट ईयर आ चुका है. योर न्यू आईज कट शार्प लाइक अ नाइफ. देखिए बाबा आए हैं देखने के लिए. कैसा लग रहा है? अच्छा है बदल गया ना. और ये देखो दादी आई है मेरा बालकनी देखने. ये मेरे और मेरे फ्रेंड्स आए थे. हम लोगों ने रात में यही किया 3-4 बजे तक. कैसे लग रहे हैं दादी? छोटा सा कमरा जैसा. यहाँ आके क्या करना है दादी? चिल. कैसे मारना है? चिल. चिल मारेंगे. यस दादी. यहाँ से ना सनसेट देखने में बहुत मजा आएगी. एक बहुत प्रिटी लगेगा. ओके दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. लुक एट द फ्रेम. मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था. एकदम कलरफुल पॉपी ब्राइट वाइब्रेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द वे इट टर्न्ड आउट. मैंने ट्राई किया जितने भी मेरे पास पहले से चीजें थी मैं उसी को यूज करूँ. मुझे और खरीदने का मन नहीं था तो दैट्स द रीजन ये इतना अफोर्डेबल बना है. मैं सारी चीजों की प्राइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी जो भी मैंने परचेज की है. और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये बालकनी मेकओवर कैसा लगा. हाँ सो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में. बाय गाइस. बाय बाय. लव यू. बाय.